कबीरधाम जिले में नक्सली न सिर्फ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बल्कि अब पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। साल 2021 में आत्मसमर्पण करने वाले दंपत्ति लिबरू उर्फ दिवाकर और लक्ष्मी ने तकरीबन 12 साल बाद 10वीं की ओपन परीक्षा पास की। इसमें दिवाकर 35% अंकों के साथ पास हुआ है। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व नक्सल दंपत्ति से वीडियो कॉल में बात कर बधाई दी। आत्मसमर्पित नक्सली ने कहा कि मुख्य धारा में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 12 साल बाद हाई स्कूल की परीक्षा दी और पास हो गया। डिप्टी सीएम साहब ने हमसे बात की और बधाई दी। अपने पूर्व साथियों को दिए संदेश में लिबरू उर्फ दिवाकर ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि संगठन में रहकर बस जंगल में भटकना है, कोई लाभ नहीं मिलता है, अंततः जवानों के साथ हुए मुठभेड़ में मरने की नौबत आ जाती है, इसलिए आप सब भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं। आत्मसमर्पण करने के बाद यहाँ आने के बाद पढ़ाई भी मिला और पढ़ाई परीक्षा पास परीक्षा भी दिलाए, दो तीन बार दिलाए, तीन बार में दो बार फेल हो गए पर 24 में लास्ट बार में पास हो गया। अभी दो बार फेल होने के बाद एसपी साहब अभिषेक पल्लव साहब ने वो उसका प्रेरणा से हम लोग सीखे कि अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छा दिन रात में पढ़ना है करके बोला था, ध्यान देना है करके बोला था, तब हम वैसा ही हम लोग ध्यान दिए। तो हम लोग डिप्टी सीएम साहब भी बात की आज, अच्छा से पढ़ाई किए, बहुत बधाई दिया था हमको। हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है कि सब अभी सीएम साहब भी बधाई दिया तो हम लोग को बहुत खुश लग रहे हैं। मैं तो हमारे साथी लोग को यही कहना चाहता हूं कि वो लोग भी मतलब संगठन को छोड़कर आके ना, उन लोग भी पूरा मुखिया धारा में आके हैं और यहाँ जो मुखिया धारा में जोड़ के वो लोग भी पढ़ना और सरकारी जो नीति नियम है उसको वो सब मिल जाएगा करके, वहाँ रहते हैं तो पूरा मर जाते हैं ना फोकट में मर के, ना कोई काम नहीं है, वहाँ रहते हैं भी सालों साल। मैं तो 17 साल वहाँ काम किया लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं है, वहाँ पूरा पैसा नहीं मिलते ना कुछ नहीं मिलते हैं, ऐसा ही वहाँ घूम घूम के जंगल में भटकना है, बस मरना है, बस उतना ही है, बाकी तो कुछ अपने परिवार को पैसा मिल देना नहीं रहते हैं ना कुछ नहीं रहते हैं, पूरा जंगल में रह के पुलिस के साथ मुठभेड़ कर।